ये दे दो। हाँ दे दो मुझे, ये मेरा है, दे दो मुझे दो। कमर के दर्द से एकदम पीड़ित, कल से उठ भी नहीं पाए तो चलते हैं मम्मी का दवा जल्दी से लेकर के आ जाते हैं। तुम दोनों बस दिखावा करती है, तुम लोग में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, बस दिखाती हो कि बहुत प्यार है बहुत प्यार है। ये ज्यादा बोलती ही नहीं है तो हम क्या करें बताइए, हम अपने ब्लॉग के लिए इसको बोले, तुम जोर जोर से बोलो। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। विक्रांत का दोस्त आया हुआ दोस्त भाई के छा जा रहे मेरे देखो भाई, प्रियांश भाई खले हो जाओ प्रियांश, जय जय प्रियांश। भाई को भी बदमाशी सिखा रहे हो प्रियांश, भाई को भी सिखा रहे हो बदमाशी करना। भाई भाई ये ले लो, ये ले लो भाई, ये छोटे भाई को, छोटे भाई ये दे दो। हाँ छोटा भाई दोनों बैठ के खाओ। जय सिया राम 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 जय 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 जय, दोनों कंपटीशन में करता है। जय जय सिया राम जय सिया राम जय 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 जय। भैया के खिला दो, बाबू को खिला दो भाई जी। तो फाइनली क्रियांश सो गया, उस टाइम से जो उठा था ना अभी तक नहीं सोया, मुझे लगता है 12 बजे सोया, 12:30 बजे उठ गया और अभी तक नहीं सोया था, अभी रात के 9:30 बज रहे हैं, जस्ट अभी सो गया है, 10 बजे है, 10 से ज़्यादा हो रहा है। अच्छा तो इधर हमारा सब्जी हो रहा है गर्म, दिन में ही सब्जी बन गया था हमारा, रितु का काम सबको खाना लगाना, तो रितु अपना खाना लगा रही है सबको। मैं रितु के हाथ का सलाद बहुत अच्छा लगता है तो मैं इसी से बनवाती हूँ सब कुछ कर दूंगी, लेकिन सलाद तुम्हें को बनाना होगा। आज बतला नहीं काटा कोई बात नहीं। खाने में है सलाद, कटहल की सब्जी, चने दाल दाल की, और रोटी, आलू चटनी। The next day. Good morning, Priyansh. बोल के राधे राधे जय। हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं और मेरा बेटा जय करता है, जय सुबह उठते जय अंग्राई लेते जय प्रियांश जय जय। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? मेरी बिल्ली यहाँ से उखाड़ के यहाँ लगा दिए। प्रियांश इंडी, मम्मा इंडी, इसने किया मम्मा इंडी। मैं इसकी ना ये देखो, इसका पांडा मैं ले लेती हूँ, पांडा दे दो ना प्लीज, मुझे भी पुच्छू करना आज को, दे दो ना प्लीज, मेरा पांडा है, मेरा पांडा है। क्या अपना देख के भी ज्यादा बोल नहीं रहा, नहीं तो ले लेता है नहीं देता है, दे दो ना मुझे, इसको पुच्छू करूंगी मैं, चलेगा? नहीं ले लो अपना पांडा, ले लो नहीं लूंगी मैं, जा सबको करो राधे राधे। मम्मा को रात में परेशान करते हो ना, करते हो ना तुम, करते हो ना, उठ जाते हो तुम बार बार, मम्मा छोक छोक के चिल्लाती है, फिर उठ जाते हो तुम। अभी सीता भाई स्टार्ट है इसका, पूरा दिन करेगा, पूरा दिन बदमाशी करेगा, करोगे ना तुम पूरा दिन बदमाशी? चलो दादी वेट कर, चलो दादी के पास चलो। इसके पापा ना इसके डर से 4 बजे दूसरे रूम में चल जाते हैं, क्योंकि इनको पता है 4 बजे के बाद ये उठते रहता है, तो ये भाग जाते हैं दूसरे रूम में कि चैन की नींद सो पाए। एक प्रियांश पापा भाग गए, चलो उठाएंगे पापा को भी। अब क्या है, क्या है, क्या है, क्या है तुम्हारा? इसको मैं लेके चल जाऊंगी, ठीक है? चलो दादी पास चलो, इसको लेके ही जाएगा। दो मुड़ा, दो 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 जल्दी से, दे दो मुझे, ये मेरा है, दे दो मुझे, दो लेके जाएगा। रख के आओगे तभी आओगे, नहीं तो हम जा रहे हैं बाय। इसको रख के आ, जल्दी रख दीजिए उसको, इसको रख के आइए। क्या व्याश, रखिए उसको, आ जाइए, जा रहे फिर हम नीचे दादी के पास, बाय बाय प्रियांश बाय। कर रहा तू, ठीक है जा रहो।
अपने बच्चे को लेके जा रहा है। कैसे कैसे चमोल लगा तुम दोनों को? इसको नीचे फेंक दूंगी। अरे अपनी दादी के पास जबरदस्ती लेके आया है इसको, इसको फेंक देंगे। ले जाइए इसको, आप दे दीजिएगा छोटा बाबू को, ऊपर सो जाएगा। ले ले, दे दीदी को, दे दो, दे दो, हम ले जाएंगे। दे दो दीदी को, दे दो, दे दो भैया को, दे अजय, दे दो थोड़ा, दे दो ना थोड़ा, खा दे दो ना थोड़ा सा, थोड़ा सा दे दो। सब कुछ दे देगा लेकिन अपना ही पांडा नहीं देगा किसी को। दे दो, दे 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 दो, दे दो, दे दो, ले ले, दे 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 दे, ले लीजिए, ले ले, दे दो, हम ले जाएंगे, दे दो, ले लीजिए। बीटू चला गया नीचे और मैं आ गई हूँ किचन। आज बताती हूँ मैं खाने में क्या बन रहा है। तो इधर हमारा बन रहा है साग और इधर हमने भिंडी काट के रखी है, इधर हमारा बन रहा है दाल। फिलहाल इतना ही बना है और आगे बनेगा। A few moments later. तो जी अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और बाहर जो मौसम है जी पूछिए मत, इतनी ज्यादा तेज गर्मी है। लेकिन हम लोगों को जो है अभी थोड़ा बाहर जाना है, बाहर से कुछ काम निपटा करके आना है। इतना बड़ा फंक्शन है, आप लोग ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि पार लग जाए। कमर के दर्द से एकदम पीड़ित है, कल से उठ भी नहीं पा रहे। देखिए भगवान के। बिल्कुल जी, तो चलते हैं मम्मी का दवा जल्दी से लेकर के आ जाते हैं कमर दर्द का। यहाँ पे हमारा भिंडी का भुजिया बन रहा है, इधर हमारा चावल चढ़ा हुआ है, इधर रितु हमारी सलाद काट रही है, खीरा है ना, इधर हमारा साग बन गया, चटनी आम की चटनी खत्म होने वाली है। आप में से कुछ लोगों का कमेंट मैं रेगुलर देख रही हूँ, मतलब मुझे लगता है वो एक ही आदमी है जो बराबर कमेंट करती है। मैं उसका कमेंट डिलीट कर देती हूँ फिर वो कमेंट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं उस कमेंट को रखूँ, इस वजह से मैं उसका कमेंट डिलीट कर देती हूँ। वो कहते हैं कि तुम दोनों बस दिखावा करती है, तुम लोग में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, बस दिखाती हो कि बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, जब तुम बोलती हो तो रितु चुप रहती है। तो ऐसा क्यों बोलो? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि रितु थोड़ा धीरे बोलती है और मैं थोड़ा जैसे बोलते वैसे बोलती हूँ, रितु थोड़ा धीरे बोलती है तो आप लोगों को सुनाई नहीं देता होगा, उतना नहीं बोलती है ये, इस वजह से आप लोग बोलते हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग दिखावा करते हैं, जो है वही दिखाते हैं। और अभी तो हमारी शादी भी है, इसकी शादी भी है, कुछ टाइम तो हुए, इतनी जल्दी ऐसा कैसे हो सकता है। और दूसरी चीज है, हमारे घर में कभी ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं और सब कुछ संभाल के चलते हैं, सब कुछ मैनेज करके चलते हैं, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता है। ज्यादातर उनके घर में ऐसा होता है जिसके पेरेंट्स ढीले होते हैं, नहीं समझते। हमारे घर के पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। और दूसरी चीज है, हम लोग में बिल्कुल ऐसा संस्कार नहीं है कि एक दूसरे से लड़ाई करें या फिर गाली गलौज करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है रियल वही हम लोग दिखाते हैं, कोई शो ऑफ नहीं है। आप देखते होंगे जब भी मैं आती हूँ किचन, ये भी आती है, ये भी खाना बनाती है, या फिर हम ज्यादा व्लॉग करते हैं तो हम आपको ज्यादा दिखते हैं, ये व्लॉग नहीं करती है तो ये नहीं दिखती है, बस यही बात है और कुछ भी नहीं है। सच बात यही है ना, ये ज्यादा बोलती ही नहीं है तो हम क्या करें बताइए। हम अपने ब्लॉग के लिए इसको बोले तुम जोर जोर से बोलो, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। पहले अच्छा खासा क्रियांश जो है खाना खा लिया करता था, दूध भी समय पर पी लिया करता था, लेकिन अब जो है नखरा शुरू हो गया है क्रियांश का। नखरा नहीं, टीवी के चक्कर में नहीं, उसे भी बहुत तमाशा करता है आजकल खाने पीने में। हाथी राजा देखता है और कौन कौन राजा हमको तो आता नहीं है, लेकिन सिर्फ यह कार्टून देखने के चक्कर में। तो सारा खाना हमारा बन चुका है, बस बची है हमारी भुजिया। थोड़ा टाइम मिल गया तो हम सोचे आलू का भुजिया बना ले। आलू का भुजिया तो हमारे घर में सबको अच्छा लगता है, स्पेशली हमें तो बहुत अच्छा लगता है, और रितु को, मोनू को, पतिदेव को, इन चारों को तो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। और माँ कहती है ना कि आलू खाना भी चाहिए तुम लोगों को, तुम लोग इतने पतले पतले हो, खाना चाहिए, तो हमने सोचा चलो टाइम मिला थोड़ा सा बना लेते हैं। तो ये है हमारा आलू का भुजिया। अगर हम चावल में खाते हैं ना थोड़ा सा क्रंची बनाते हैं, अगर रोटी के साथ खाना होता है तब उसमें हम प्याज डालते हैं, वैसे नहीं डालते हैं। तो इसी के साथ हम अपना ब्लॉग का करते हैं एंड। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा हमारा ब्लॉग आपको। और हाँ, प्रियांश का बर्थडे बहुत नजदीक है, आप लोग नोटिफिकेशन तो जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। और जाने से पहले सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।